मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने दिखाया है कि पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए भी तेज विकास संभव है। आज भारत वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के विजन्स के साथ पूरी दुनिया में तो खास करके सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में प्रेरित कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में आज भारत दुनिया के पांच टॉप देशों में अपनी जगह बना चुका है। प्रदूषण के समाधान को लेकर भारत सजग भी है और भारत सक्रिय भी है। स्वच्छ भारत अभियान हो, धुआं मुक्त रसोई गैस की व्यवस्था हो, एलईडी बल्ब का अभियान हो, सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रयास हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पेट्रोल से प्रदूषण को कम करने के लिए इथेनॉल उत्पादन उसको बढ़ाने पर और उसके इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। पांच साल पहले हमारे देश के अंदर इथेनॉल की क्या स्थिति थी? पांच साल पहले हमारे देश में 40 करोड़ लीटर उत्पादन होता था। आज पांच साल में पांच गुना हो गया और आज 200 करोड़ लीटर इथेनॉल हमारे देश में बन रहा है, जो पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के 100 शहरों में, चुने हुए 100 शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक जन भागीदारी के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर भरपूर करते हुए हम उसे प्रदूषण कम करने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत इस बात को गर्व से कह सकता है, भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जहां जंगलों का विस्तार हो रहा है। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। हमारे यहाँ टाइगर की आबादी बढ़ी है। अब आने वाले दिनों में एशियाटिक लायन, प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हो रही है और उसमें प्रोजेक्ट लायन भारतीय शहरों की रक्षा, सुरक्षा, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष करके उनके लिए जो आवश्यक होता है स्पेशल प्रकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी काम किया जाएगा और प्रोजेक्ट लाइन पर बल दिया जाएगा। साथ ही एक और काम को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं और वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। नदियों में, समंदर में रहने वाली दोनों तरह की डॉल्फिन्स पर हम फोकस करेंगे। इससे बायोडायवर्सिटी को भी बल मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये टूरिज्म के आकर्षण का भी केंद्र होता है, तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ने वाले हैं।